लोधरा में 6 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले दो मुलजिम गिरफ्तार। आरपीओ का कहना है मुलजिम बच्ची के चचाजाद हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। मुलजिमों के बाप का कहना है जुर्म साबित हो गया तो बेटों से हमदर्दी नहीं होगी। बच्चियों से दरिंदगी का सिलसिला ना रुका। लोधरा के बाद दुनियापुर में 4 साल बच्ची से ज्यादती, मुलजिम रमजान बाप समेत गिरफ्तार। भावनगर में भी जहनी माजूर लड़की से ज्यादती। डीपीओ का कहना है मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशियाना इकबाल करप्शन केस की तहकीकात में तेजी। आज सीमा की निशानदही पर पकड़े जाने वाला शाहिद शफीक एहतसाब अदालत में पेश। एक रोज के रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम पर जाली तरीके से ठेका लेने का इल्जाम। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हुकूमती हिमा पर हड़ताल कर रही है। अफसरों का एहतजाज रियासत के खिलाफ खुली बगावत है। बगावत में शहबाज शरीफ शरीक हैं। एहतजाज एहसन की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में शाहराए फैसल पर सरेआम फायरिंग करने वाले अदनान पाशा की एक और वीडियो सामने आ गई। फायरिंग को गलती करार दे दिया। कहा रेंजर्स और पुलिस को चैलेंज नहीं किया। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान आज तीसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड पर झपटने के लिए तैयार है। मुल्तान सुल्तान को बैटिंग और बॉलिंग में बढ़तरी। आज के मैच में जीत के लिए फेवरेट कराची किंग्स और पेशावर दलमी में मुकाबला भी होगा। और नटखट अदाओं और चमकती आंखों वाली भारतीय अदाकारा श्रीदेवी चल बसी। भारतीय अदाकारा को दुबई में दिल का दौरा पड़ा। इंतकाल की खबर पर बॉलीवुड में सोग। सोशल मीडिया पर अदाकारों और पुरस्कारों की ताजियती पैगाम।